जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में, व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 3 अप्रैल 2022, दिन रविवार। रविवार भगवान सूर्य देव का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान सूर्य देव का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि होगी दोपहर 12:40 तक। आज के दिन चैत्र नवरात्रि में दूसरे दिन माता नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। माता ब्रह्मचारिणी को दूध से बने हुए मिठाई का भोग लगाना चाहिए और इन्हें फल इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं, माता उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। कल के दिन यानी कि 4 अप्रैल 2022 को गौरी तृतीया, जिसे कि गणगौर तीज, गणगौर आदि नामों से जाना जाता है, तो गौरी तृतीया का व्रत 4 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। सूर्योदय सुबह 5:39 और सूर्यास्त शाम 6:06। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे सुबह 6:53 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे शाम 8:06 पे। सूर्य मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा मेष राशि में। यह वसंत ऋतु है, अयन उत्तरायण रहेगा। योग वैधृति योग सुबह 7:53 तक, उसके बाद विष्कुंभ योग, करण कौलभ करण दोपहर 12:38 तक, उसके बाद तैतील करण। नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र दोपहर 12:37 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र। दिशाशूल की बात करें तो आज रविवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से घी और धनिया खाकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज रविवार का दिन है तो रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें, भगवान सूर्य देव का पूजन करें तो लाभकारी होगा। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव का जो भी व्रत करते हैं रविवार का, उन्हें रविवार के व्रत में नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक समय इसमें मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए, वो भी सूर्यास्त से पहले ही। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जल में थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। अर्घ प्रदान करते समय इन मंत्रों का जप करें तो लाभकारी होगा। मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप मान भक्ता ग्रहणा अर्घ दिवाकर। इन मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करे या श्री दिवाकराय नमः श्री भास्कराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करे तो लाभकारी होगा। अभी चैत्र नवरात्रि चल रहा है तो चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा का पूजन करे तो लाभकारी होगा। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा शाम 4:39 से शाम 6:06 तक। गुली कालम समय होगा दोपहर 2:59 से शाम 4:33 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:28 से दोपहर 12:16 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त और 3 अशुभ चौघड़िया मुहूर्त। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त। सुबह 7:12 से सुबह 8:46 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:46 से सुबह 10:19 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त
सुबह 10:19 से सुबह 11:52 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:26 से दोपहर 2:59 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त शाम 6:07 से शाम 7:33 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 7:33 से रात्रि 8:59 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 8:59 से रात्रि 10:26 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 1:19 से रात्रि 2:46 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 4:12 से सुबह के 5:39 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2079 रक्षा है और शक संवत 1944 शुभ कृत। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।